अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। बिल्कुल, आज हम लोगों ने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। कल मैंने आपको कहा था कि हमारे 3 चैप्टर ख़त्म हो गए हैं, आपने इसको रिव्यू भी करना है और हमने आज नेक्स्ट चैप्टर भी शुरू करना है। तो आज हम जा रहे हैं वादे के मुताबिक अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है द सेल। देखिए, नाम के साथ भी द लिखा हुआ है। मतलब जब किसी नाम के साथ द आ जाता है तो वो उसकी अहमियत को और भी बढ़ा देता है। हम कायदे आज़म लिखते थे ना बचपन में, कायदे आज़म लिखने से उनकी अहमियत में और इजाफा होता है। तो ये चैप्टर भी क्या नाम है? द सेल है। तो द सेल जो होगा, इसके बारे में हम लोगों ने फिर उतनी ही अहमियत के साथ बात करनी है जितनी अहमियत के साथ मैंने आपको बताया कि हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है। सो टुडे आई विल टेल यू अबाउट द सेल थ्योरी, कि जो सेल थ्योरी है सेल्स के बारे में वो मैं क्या कहती है। तो चैप्टर नंबर 4 का नाम है, नाम लिख देता हूँ जो मैं बोल रहा हूँ, द सेल। अगर हम सेल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो मैं आपको ये भी ना बता दूं कि जो ब्रांच बायोलॉजी की सेल्स को डील करती है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है बच्चों सेल बायोलॉजी, जिसको मैं शॉर्टकट में क्या लिखता हूँ, साइटोलॉजी। अगर किसी को नहीं पता ना तो वो लिख ले अपनी बुक पे, क्या कर ले, अपनी बुक पे लिख ले कि सेल बायोलॉजी को साइटोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, सेल बायोलॉजी को साइटोलॉजी भी कहते हैं, जिसमें हमने सेल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करना है। ओके, सेल क्या होता है? आज हम सेल की डेफिनेशन पे आते हैं कि सेल क्या है। सेल वही पुराने वक्तों वाली डेफिनेशन है, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे जो मज़े के दो वर्ड्स हैं वो कौन से हैं? एक वर्ड है जो स्ट्रक्चरल और एक वर्ड है फंक्शनल। कि हम यूनिट बना रहे हैं सेल को किस चीज़ का, लाइफ का। तो इसका मतलब सेल के अंदर स्ट्रक्चर वाइज भी और फंक्शन वाइज भी एक कंप्लीट लाइफ वाले करैक्टर होने चाहिए। तो ऐसे होते हैं, एग्जांपल हम देखते हैं ना, एक सेल बैक्टीरिया का, उसके अंदर स्ट्रक्चर वाइज भी एक कंप्लीट लेआउट है और फंक्शन वाइज भी एक कंप्लीट लेआउट है। सो हम सेल को क्या नाम देते हैं? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। जो भी कैरी आउट हो रही है ना लाइफ की एक्टिविटीज़, वो बेसिकली सेल्स ही कर रहे होते हैं। और नंबर 3, सेल से मिलकर ही लाइफ जो है वो बनती है। तमाम एनिमल्स, तमाम प्लांट्स, बैक्टीरिया वगैरह, इन सब में सेल्स होते हैं। अगर आप लोगों को याद हो, पहले चैप्टर के पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो सेल है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के लिए बेसिक शर्त है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर सेल्स लाजमी होंगे, जो नॉन लिविंग होता है ना उसमें सेल नहीं होते। तो सेल्स का होना ये इंडिकेशन होती है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सो हेयर वी गो, आज हमने सेल थ्योरी को देखना है कि सेल्स को किस तरह पहली मर्तबा डिस्क्राइब किया गया, किसने डिस्कवर किया, किसने सेल के बारे में क्या बताया। तो ये स्टार्ट होता है जी रॉबर्ट हुक से। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया। ही डिस्कवर्ड सेल। इसने डिस्कवर कैसे किया? इसने ना लकड़ी जो होती है, वुड जो होती है, प्लांट की जो आउटर मोस्ट जो छाल होती है, बार्क जिसे कहते हैं, उसकी जो लेयर है कॉर्क, उसको स्टडी किया। ही स्टडीड कॉर्क, स्टडी ऑफ कॉर्क को स्टडी करके उसने बताया कि कॉर्क के अंदर एमपीटी कंपार्टमेंट्स हैं। कॉर्क के अंदर क्या है? एमपीटी कंपार्टमेंट्स, खाने हैं, बॉक्सेस हैं, बिल्कुल एम्प्टी, खाली हैं। और इसने इनको रिजेंबल करार दिया हनी बी के, शहद की मक्खी के छत्ते की तरह। और इसका फिर नाम बाद में क्या रख दिया गया? सेल्स। तो स्टडी किस पे हुई? वो जो लकड़ी की छाल होती है, जो ट्री की बार्क होती है ना, बार्क के अंदर कॉर्क होता है, कॉर्क की लेयर को स्टडी किया गया। इसने अपनी बनाई हुई माइक्रोस्कोप से स्टडी किया और फिर इसने किताब शाया की, जिस किताब का नाम इसने माइक्रोग्राफिया रखा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि रॉबर्ट हुक ने ये सारी बातें अपने किस किताब में बयान की। तो किताब का नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया।
तो इसने क्या बताया पहली वाली स्टडी में कि मैंने अपने माइक्रोस्कोप के साथ स्टडी की है और इस स्टडी में मुझे ये पता चला कि कॉर्क की जो रिजेम्बलेंस है वो बिल्कुल हनी बी के छत्ते की तरह है और इसके अंदर जो बॉक्सेस हैं ये सेल्स हैं और ये बिल्कुल क्या हैं जी खाली हैं, इनमें मज़ीद कोई चीज़ नहीं है। लेकिन वक्त के साथ साथ इसके इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया गया और नई एडवांसमेंट हुई सेल थ्योरी में। पहले तो कोई भी नहीं हुई ना, 19th सेंचुरी तक किसी ने कोई मज़ीद काम इतना हैवी नहीं किया। तो सेकंड नंबर पे जो साइंटिस्ट आया जिसका काम मशहूर हुआ वो था रॉबर्ट ब्राउन। इसने अपने ही हम नाम रॉबर्ट हुक के हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। हुक क्या क्या कर गया था, हुक ने कहा था कि सेल खाली है, जबकि रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर मौजूद न्यूक्लियस को डिस्कवर कर लिया। ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। तो इसने वो बात ही रिजेक्ट कर दी जिस बात में ये लिखा हुआ था कि सेल खाली है। सेल क्या है, खाली। रॉबर्ट ब्राउन के बाद नेक्स्ट आया शिलिडिन और शवान। लेकिन उससे पहले दो साइंटिस्ट और आए थे, लॉरेंस ओकेन और पेप्टिस्ट डी लमार्क। इन दोनों ने मिली जुली बातें बताई थी। लॉरेंस ओकेन ने बताया था कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बनते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स ओरिजिनेट फ्रॉम सेल्स। और लमार्क ने भी इसी तरह की बात बताई कि किसी भी बॉडी के अंदर नो बॉडी कैन हैव लाइफ विदाउट सेल्स, कि जब तक सेल्स नहीं होंगे तब तक लाइफ नहीं हो सकती। इसका मतलब लाइफ के लिए क्या चीज़ शर्त करार पाई, सेल्स का होना। तो ये पहले चार साइंटिस्ट थे। इसके बाद दो फ्रेंड्स आए, शिलिडिन और शवान। एक था बॉटनिस्ट और एक था जॉलजिस्ट। शिलिडिन था बॉटनिस्ट। तो बॉटनिस्ट कौन होता है बच्चों, बॉटनी को स्टडी करने वाला, जो कि प्लांट्स की स्टडी करता है। इसका नाम क्या था, शिलिडिन। और इसके साथ ही कौन आया, शवान, एक साल के गैप के साथ। इसने बताया कि जो प्लांट्स हैं वो सेल से मिलकर बने, और शवान ने बताया कि जो एनिमल्स हैं वो किससे मिलकर बने हैं, सेल से। तो इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी का पहला पॉइंट पेश किया, जिस पॉइंट के मुताबिक तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बने हैं, सेल से। इन्होंने एक और बात भी बताई जो कि कंपोनेंट्स ऑफ सेल के बारे में बताती है कि सेल के कितने कंपोनेंट्स हैं। तीन कंपोनेंट्स बताए इन्होंने, एक मेम्ब्रेन जो कि एनवलप है, एक न्यूक्लियस और एक साइटोप्लाज्म। और कुछ केसेस के अंदर सेल मेम्ब्रेन के गिर्द एक सेल वॉल भी होती है। तो ये सेल के हिस्से, सेल के पार्ट्स, सेल के कंपोनेंट्स इन्होंने डिस्क्राइब किए कि सेल्स के अंदर तीन बेसिक पार्ट्स हैं। VIZ लिखा होगा, विज का मतलब विच इज़, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म जो कि न्यूक्लियस के गिर्द है, और इन दोनों को जिस मेम्ब्रेन में बंद किया हुआ है, जिस कवरिंग में बंद किया हुआ है, उसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। और उन्होंने बताया कि सेल वॉल एडिशनल होती है, एनिमल्स में नहीं होती, प्लांट सेल्स में होती है। सो यहाँ तक सेल थ्योरी का पहला पॉइंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बने हैं, सेल से। जो कि आधा शिलिडिन ने बताया प्लांट्स वाला और आधा शवान ने बताया एनिमल्स वाला। और दोनों की स्टडी जो थी ना वो सेपरेट थी। शिलिडिन ने अलहदा से प्लांट्स को स्टडी किया और शवान ने अलहदा से एनिमल्स को स्टडी किया। खैर, इसके बाद रिसर्च चलती गई। अब रिप्रोडक्शन के बारे में रिसर्च हुई कि नए सेल कैसे बनते हैं, उसके बारे में दो राय थी, दो हाइपोथेसिस थे। मैं दोनों आज आपको बता देता हूँ। एक था बायोजेनेसिस और इसके अलावा, इसके अगेंस्ट ए बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस वाले जो साइंटिस्ट हैं ये कहते थे लिविंग बन सकता है लिविंग से, यानी अगर कोई जानदार चीज़ है तो उसके अंदर डिवीजन होगी तो जानदार चीज़ ही पैदा होगी। एबायोजेनेसिस वाले कहते थे कि लिविंग बन सकता है नॉन लिविंग से, लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग। ये बात सुनने में अजीब लगती है और है भी,
क्योंकि नॉन लिविंग से तो लिविंग नहीं ना पैदा हो सकते। तो उन्होंने क्या इस बारे में सबूत दिया, उन्होंने कहा जब बारिश होती है तो मेंढक पैदा हो जाते हैं, आप कोई सामान रख के भूल जाएं, कई अर्से बाद उस सामान के नीचे कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, खुराक की जो चीज़ें होती हैं खाने वाली उनमें कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो नॉन लिविंग है, मिट्टी नॉन लिविंग है, वो जो ईंटें थी जिनके नीचे कचरे में कीड़े पैदा हो गए नॉन लिविंग है, पानी नॉन लिविंग है, तो इससे लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा हो रहे हैं। सो ये जो फिनोमिना था, पॉइंट था उनका, ये ए बायोजेनेसिस कहलाता है। दोनों पॉइंट समझ आ गए। रोडल विर्चू ने क्या किया, उसने आके ना ए बायोजेनेसिस को रिजेक्ट कर दिया। तो किसको प्रूफ किया होगा, बायोजेनेसिस को। रोडल्फ विर्चू ने आके एक लाइन बताई बड़ी प्यारी अपनी जबान में, रोडल्फ विर्चू, इसने कहा अपनी जबान में फ्रेंच लैंग्वेज में, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, के नए सेल्स पुराने सेल से ही बनते हैं। नए सेल्स कहाँ से बनते हैं बच्चों, पुराने सेल से ही। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन लिविंग से कभी भी सेल नहीं बन सकते। सेल बनने के लिए शर्त क्या है कि पहले भी कौन मौजूद हो, सेल मौजूद हो। लेकिन इसकी बात को कई लोगों ने रिजेक्ट भी किया। तो फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट जो आया वो था, क्या नाम है, लुइस पास्चर ने रोडल्फ विर्चू के पॉइंट को प्रूफ करके दिखाया। और जो ए बायोजेनेसिस वाले लोग थे जो ये कह रहे थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग से भी बन सकते हैं, उन सब को लुइस पास्चर ने आके क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। उसने एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने बैक्टीरिया के ऊपर रिसर्च की। उसने ये साबित किया कि नए बैक्टीरिया हमेशा पुराने बैक्टीरिया से ही बन सकते हैं, किसी और चीज़ से नहीं बन सकते। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे उसने रिसर्च किया और क्या बताया कि बैक्टीरिया कहाँ से बनेंगे, बैक्टीरिया से। सेल्स कहाँ से बनेंगे, सेल से। लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ से बनते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बनते हैं। ठीक हो गया बच्चों। लुइस पास्टर के बाद आता है अगस्त वेस्टमैन। इसने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई, इसने लाइफ के ओरिजिन के बारे में बताया। ओरिजिन ऑफ, क्या आपको याद है फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको फाइलेटिक लिनिएज पढ़ाया था, जब आपको मैंने बताया था कि जी अगर हमारे पास तमाम फाइलेटिक लिनिएजेस का रिकॉर्ड हो तो हम सारे कॉमन ओरिजिन पर जाएंगे। तो इसने कहा कि लाइफ का जो ओरिजिन है, जहाँ से लाइफ स्टार्ट हुई है, वो कॉमन है। मीन अगर हमारे पास रिकॉर्ड हो तो हम सारे कहाँ पहुँचेंगे, उसी स्टार्ट ऑफ लाइफ पर पहुँच जाएंगे, कॉमन ओरिजिन पर पहुँच जाएंगे। तो इससे ये साबित हुआ कि सेल जितने मर्जी डिफरेंट हों, सेल का काम चेंज हो, सेल का फंक्शन चेंज हो, सेल का स्ट्रक्चर शेप चेंज हो, लेकिन उनका जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है वो उनके अंदर सेम है। उनके अंदर कई फंडामेंटल सिमिलैरिटी हैं, कई उनके जो ऑर्गेनाइजेशन के प्लान हैं वो एक जैसे हैं। बाकी आपको पता है चेंज तो आते ही रहता है। तो यहाँ तक किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो, किसी साइंटिस्ट के बारे में मुझसे पूछना हो, तो जल्दी से पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं। नहायत ही आसान लेक्चर था आपको, मैंने सिर्फ साइंटिस्ट के फंक्शन बताए हैं, साइंटिस्ट के काम बताए, उनकी खिदमात के बारे में बताया, किस साइंटिस्ट ने क्या क्या काम किया। तो आपने भी इसको नोट कर लेना है, साइंटिस्ट के सामने जो है वो आपने उनका काम भी लिखना है। कोई क्वेश्चन करना है तो कर सकते हैं आप लोग। हाँ जी बच्चों, कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन करें। आप लोगों ने कमेंट्स अच्छे किए हुए लेकिन कम है, ज़्यादा कमेंट किया करें। कुछ बच्चों ने थोड़ी थोड़ी बातें रिपीट की हुई हैं, जैसे आपको टीचर पढ़ाते हैं ना, वो आपसे कोई बात उगलवाते हैं तो आप कह तो सकते नहीं हैं, आप लोग वो कमेंट करके बताया करें। और कोई क्वेश्चन? हाँ जी, कोई क्वेश्चन नहीं है। 16 बच्चे इस टाइम हमें campus.pk पे सुन रहे हैं, बाकी बच्चे हमें इल्म की दुनिया का जो YouTube चैनल है उस पर सुन रहे हैं, कुछ बच्चे में Facebook पर सुन रहे हैं। तो आप सब से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग कहाँ पे आ जाएं, campus.pk की वेबसाइट पे आएँ, वहीं पे आपके कमेंट्स को मैं रीड करूँगा, वहीं पे आपके कमेंट्स को मैं आंसर भी करूँगा, वहीं पे आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। हाँ जी, कोई क्वेश्चन नहीं है। एक बच्चे ने कमेंट तो किया, क्वेश्चन नहीं पूछा, कहा है लाइक अ टेबल। बिल्कुल एग्जैक्टली, टेबल बनाएं, एक साइड पर सारे साइंटिस्टों के नाम लिखें,
उनके सामने आप लोग क्या लिखें, सारे साइंटिस्टों के काम लिखें। जब आप उनके नाम और काम लिख लेंगे तो वो आपको याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? याद। हाँ जी, लिख लिया बच्चों? जल्दी बताया ना, आप लोग बहुत डीले हैं, कमेंट करके बताया करें। एक बच्चे ने कमेंट किया 17, ये क्या कमेंट किया भाई? आप क्या पूछना चाह रहे हैं 17 के बारे में? जो कमेंट करेंगे ना वो आप इस टॉपिक से रेलेवेंट क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो फिर हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। आपके पास एक दो मिनट है, जल्दी से क्वेश्चन कर लें। हाँ जी, क्या कमेंट कर रहे हैं जी बच्चों? देखिए मैं आप कमेंट करने के पढ़ने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ और आप लोग बात ही नहीं करते हैं। क्लास में हेजिटेशन फील होती है, यहाँ पे कैसी हेजिटेशन है? अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन कर लें, कोई क्वेश्चन नहीं है। अब जाग गए हैं सारे हैं, बाकी बच्चे भी जागें, ज़रा अपनी मौजूदगी का एहसास दे दिलाएं कि मैं भी हूँ। यूँ समझे मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। कौन कौन क्लास में प्रेजेंट है? हरी अब कौन कौन क्लास में प्रेजेंट है? अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं, कमेंट करके बताएं। बताएं जी मैं प्रेजेंट हूँ, मैं प्रेजेंट हूँ, मैं प्रेजेंट हूँ, ताकि मुझे आप लोगों के नाम भी याद हो जाएं। जिस तरह क्लास में नहीं हाज़िरी लगती आप लोगों की, सर मैं प्रेजेंट हूँ, सर मैं प्रेजेंट हूँ, तो इस तरह में ना क्लास में अटेंडेंस लगवाया करें। हाँ जी 17 वॉचिंग, ये तो मुझे भी पता है बच्चों, लेकिन कौन कौन है ज़रा मुझे नाम तो पता चले आप लोगों का। हाथ खड़ा कर करके बताएं मैं प्रेजेंट हूँ। जल्दी से मुझे कमेंट आने चाहिए सबके, सबका लिखा हुआ आए कि मैं प्रेजेंट हूँ। मैं देखता हूँ कौन से बच्चे बात मानते हैं और कौन से नहीं मानते। हाँ जी बच्चों प्रेजेंट लिखना है, आई एम प्रेजेंट। हु इज प्रेजेंट? वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, जल्दी पता चले ना जाग रहे हैं सारे बच्चे, ऐसे तो मज़ा नहीं ना आता फिर। और कौन प्रेजेंट है? वेरी गुड, और कौन प्रेजेंट है? शाबाश शाबाश, चलें बाकी बच्चे सो रहे हैं वो भी जाग जाए। सारे कमेंट किया करें, ठीक है, सोया ना करें, पढ़ाई के दिन है आपकी, अगर आप सोएंगे तो फिर पढ़ेगा कौन? शाबाश, चलें जी आगे चलते हैं हम। आगे आपको मैं 3 पॉइंट्स बता रहा हूँ सेल थ्योरी के, सेलिएंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी। एक बच्चे ने वाकई ऐसे कर दिया, प्रेजेंट सर, वेरी गुड बच्चे। हाँ जी, तो सेलिएंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी 3 है, याद करें तीनों पॉइंट्स और मुझे बताएं कि याद कर लिए हैं। पेज नंबर 48 पे लिखे हुए हैं 3 पॉइंट्स, मैं पढ़ देता हूँ, आपने याद करने हैं, ठीक है बच्चों। पहला पॉइंट है ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। थैंक यू बेटे सारे कमेंट करने के लिए। और दूसरा पॉइंट है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और तीसरा पॉइंट है सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये 3 पॉइंट याद करें, फिर मैं आपको येलो बॉक्स भी समझा देता हूँ, ठीक है बच्चों, जल्दी करें। 3 पॉइंट्स याद करें और मुझे बताएं, मुझे याद हो गए हैं। किस किस को याद हो गए हैं? प्रेजेंट तो सारे हैं, लेकिन याद कौन कौन कर रहा है? 3 पॉइंट्स हैं सेल थ्योरी के, पहला, दूसरा और तीसरा। तो आपने बताना सेलिएंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी। हाँ जी बच्चों, किस किस ने याद कर लिए हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताएगा। जो बच्चे कमेंट करते हैं उनका मुझे नाम भी याद होता जा रहा है आस्ता आस्ता, जो नहीं कर रहे वो सोए रहते हैं हमेशा हमेशा की तरह। हाँ जी, सुना नहीं है बच्चों, कमेंट करना है। किस किस ने याद कर लिए हैं 3 पॉइंट्स पेज नंबर 48 वाले? बहुत ही आसान, वेरी गुड, शाहनूर ने याद कर लिए हैं। बाकी बच्चे कहाँ पे हैं जी? मैं येलो बॉक्स पढ़ाने लगा हूँ, जल्दी से बताएं, याद हो गया। लिखा हुआ सेकंड पॉइंट, तमाम सेल पहले से मौजूद सेल से बनते हैं, मीन नॉन लिविंग से नहीं बनेंगे, सेल्स हमेशा सेल्स से ही बनेंगे, वेरी गुड। चलें बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी बताएं, हमें याद हो गया। चलें जी येलो बॉक्स पढ़ते हैं, येलो बॉक्स में बड़ी प्यारी बातें लिखी हुई हैं कि हमने सेल्स को स्टडी कैसे करना है। सेल ना बहुत छोटे होते हैं, सबको पता है,
सेल जो है इतने छोटे होते हैं कि वो हमें आम आंख से नज़र नहीं आते, तो उनको देखने के लिए हम करते हैं माइक्रोस्कोपी। क्या करते हैं बच्चों? माइक्रोस्कोपी। जब हम माइक्रोस्कोपी करते हैं ना, तो इसमें दो टर्म्स यूज़ होती हैं। पहली टर्म यूज़ होती है मैग्निफिकेशन, मैग्निफी, और दूसरी टर्म यूज़ होती है रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के, किसी स्पेसिमेन के साइज को बड़ा करके देखना जो कि नज़र आ जाए, वो मैग्निफिकेशन होती है। ये माइक्रोस्कोप की मुख्तलिफ हो सकती है, लाइट की और इलेक्ट्रॉन की। जो रेजोल्यूशन होती है, ये होती है डिफरेंशिएशन बिटवीन टू पॉइंट्स। क्या होती है? डिफरेंशिएशन बिटवीन टू पॉइंट्स। इसको मैं आम जबान में ना क्लैरिटी भी लिखता हूँ, कि किसी भी इमेज को क्लियर करके दिखाना है, इस कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन। तो मैग्निफिकेशन हमारे लाइट माइक्रोस्कोप की अल्लाह भला करे कितनी है? 500x है। कितनी है बच्चों? आप लोग निशान लगा रहे हैं। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है वो है जी 2.0 माइक्रोमीटर। जिन बच्चों ने सेल थ्योरी के पॉइंट्स पूरे पूरे लिखे हैं उनको सबसे बड़ा वेल डन, वेरी गुड बच्चों। तो मैं क्या बता रहा था कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन है वो है 2.0 माइक्रोमीटर। निशान लगा लिया सबने? और उसकी जो मैग्निफिकेशन है वो 500x है, मीन 500 गुना ज़्यादा है हमारी आँख से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 2,50,000 टाइम्स ज़्यादा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, और उसकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो 2 से 4 एंगस्ट्रोम है, 10^-10। ये जो x का मतलब है, अगर मैं लिखूं जी 500x का मतलब है टाइम्स, इतने गुना ज़्यादा है। अगर मैं आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लेंसेज के बारे में बताऊं तो दो लेंसेज होते हैं, आकुलर लेंस जिसको आईपीस भी कहते हैं, और ऑब्जेक्टिव लेंस। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के दो लेंस हैं। दोनों की ना फिक्स वैल्यू होती है, अगर एक की वैल्यू 40 हो और दूसरे की वैल्यू जो है वो 10 हो, ये देखें ये 40x हो और ये अगर 10x हो, तो टोटल मैग्निफिकेशन हमारे पास कैसे आएगी? 40×10=400x। ये बात समझ आ गई? टोटल मैग्निफिकेशन कैसे आती है? दोनों लेंसेज की मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई करा के, पहले एक लेंस बड़ा करता है साइज जो इमेज पैदा होती है उसको, फिर दूसरा लेंस और बड़ा कर देता है। तो दोनों के लेंस की मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई करके टोटल जो है आपके पास आंसर आता है। लेंस की मुख्तलिफ वैल्यूज़ हो सकती हैं, जो ऑकुलर जो लेंसेज हैं 5x में 10x में होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस 20 में भी हो सकते हैं, 40 में, 100 में, तो जो लगे होंगे ना हमने उनको मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है जी। और वैल्यूज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, 2,50,000 ये किसकी वैल्यू है? ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की है। ये किससे बड़ी है जी? ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप से 500x है, और आंख से भी 2,50,000। हिंट देता हूँ आपको, 500 टाइम्स फ्रॉम आई, ये किसकी बड़ी है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की भी 500 गुना ज़्यादा है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, आँख से कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन 500 गुना ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी मज़ीद 500 गुना ज़्यादा है। तो फिर इलेक्ट्रॉन की आँख से कितने गुना ज़्यादा होगी? 500×500, 500 × 500, 2,50,000। ठीक है बच्चों, हमारी आँख की जो रेजोल्यूशन है वो 1.0 मिलीमीटर है, मीन हमारी आँख सिर्फ 1.0 मिलीमीटर फासले को डिफरेंशिएट कर सकती है, वरना डिफरेंशिएट नहीं कर सकती। ठीक है बच्चों, और कोई क्वेश्चन? एक बच्चे ने कमेंट किया एंगस्ट्रॉम को एक्सप्लेन कर दें, लिखा हुआ है जी 2 से 4 एंगस्ट्रॉम।
ध्यान से देखें, एंगस्ट्रॉम को शॉर्टकट में हम ए लिखते हैं, ए के ऊपर डॉट, और इसकी वैल्यू होती है 10^-10, 10^-10. नोट कर लें बच्चों, 10^-10 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू। एक बच्चे ने अभी हमें ज्वाइन किया है और उसने कमेंट किया है, आई एम न्यू हेयर, वेलकम टू यू, अल्लाह करे आप अच्छी तरह हमारे लेक्चर्स को ज्वाइन करें और अच्छी तरह तैयारी करें। हाँ जी बच्चों, समझ आ गई है, सारी वैल्यूज़ मैंने आपको करवा दी हैं कि आई की रेजोल्यूशन 1.0 मिलीमीटर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की 2.0 माइक्रोमीटर, इलेक्ट्रॉन की 2 से 4 एंगस्ट्रॉम है, और कौन किससे कितने गुना ज़्यादा है वो आपको पता होना चाहिए, और मैग्नीफिकेशन टोटल कैसे कैलकुलेट होती है वो आपको पता होना चाहिए। और आपको मैं बता दूं मैग्नीफिकेशन टोटल कैलकुलेट कैसे होती है, दोनों लेंसेज जो है ना आपके ऑकुलर लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस की अगर आप मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास टोटल मैग्नीफिकेशन आ जाती है। तो टेस्ट स्टार्ट होने लगा आपका, उसके लिए आपके पास 2 से 3 मिनट हैं, जल्दी से आप लोग रिवाइज़ कर लें इसको। इससे पहले ना मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, जहाँ पे 48 पेज पे 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मिल गए बच्चों 3 पॉइंट्स, उसके नीचे ना एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, सेल एज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ लिखा हुआ है ना। ये जो पैराग्राफ है ना, इसमें 2 किस्म के सेल लिखे होंगे। पहले ये बताया हुआ कि हर सेल का अपना फंक्शन होता है, हर सेल का अपना काम होता है, लेकिन इसके अंदर ही 2 बड़ी मज़ेदार किस्म की इंफॉर्मेशन हैं। पहली इंफॉर्मेशन होगी कि एनिमल सेल्स कौन कौन से हैं मशहूर और उनका काम क्या है, और दूसरी इंफॉर्मेशन होगी ये प्लांट सेल्स कौन से मशहूर हैं और उनका काम क्या है। आपने इनकी बनानी है लिस्ट, बात समझ आ रही है बच्चों, आपने इनकी बनानी है लिस्ट, लिस्ट बना के सारे टिश्यूज़ के नाम लिखने, यानी सेल्स के, ये सेल सेल नंबर 2, सेल नंबर 3 जो भी है, मिसाल के तौर पर मस्कुलर सेल है, स्टमक सेल्स है, रेड ब्लड सेल है, सब के नाम लिखने हैं, और नामों के आगे उनका आपने फंक्शन लिखना है सबका, एनिमल सेल्स का भी लिखना है और प्लांट सेल का भी। ये आपके लिए बड़ी प्यारी प्रैक्टिस होगी, कल आते ही मैंने आपसे पूछना है कि आपने क्या नाम है, कौन कौन से सेल्स के बारे में लिख लिया और किस किस बच्चे ने नहीं लिखा, बात समझ आ गई है। जिसको मेरी असाइनमेंट के बारे में पता नहीं चला वो कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आप पे कमेंट्स को पढ़कर आपको बता सकूं और आपको गाइड कर सकूं। जल्दी से कमेंट करें कि आपको असाइनमेंट की समझ नहीं आई। टेस्ट भी स्टार्ट हो गए, आपने साथ साथ टेस्ट भी करना है और अपने मार्क्स को टेस्ट के बाद शेयर भी करना है, ठीक है बच्चों। और जो आपने क्वेश्चन करना है वो आपने हमें फ़ौरन से कमेंट भी करना है। टेस्ट के लिए आपके पास उसी तरह 3 मिनट होंगे, आपने 3 मिनट के अंदर अंदर 500 MCQs को सॉल्व करना है। MCQs बहुत ही आसान है, टॉपिक में से हैं, कोशिश करनी है आपने ध्यान से उनको सॉल्व कर सके। और फिर आपने MCQs को सॉल्व करने के बाद क्या करना है, अपने मार्क्स को शेयर करना है, लेकिन साथ कमेंटिंग भी जारी रखें। आपको मैं MCQs की स्टेटमेंट्स भी पढ़ के बता देता हूँ, जैसे ही हमारा सिस्टम हमें शो करता है तो मैं आपके साथ वो भी डिस्कस कर देता हूँ। MCQs की स्टेटमेंट मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ, सिस्टम हमारा हमें स्टेटमेंट शो करने लगा है, तो मैं आपके साथ MCQs की स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा शेयर कर लेता हूँ जी। तो कौन कौन से MCQs आपको शो हो रहे हैं, आपके पास MCQs होगा कि किसने सेल को डिस्कवर किया, वो आपने ध्यान से बताना, मैंने आपको आज के टॉपिक में बताया। किसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया, किसने कहा था कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला होता है, और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो कौन है, तो आपने ध्यान से इसका आंसर करना है, आपने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी। और आज के टेस्ट में तो मैं कहता हूँ बच्चों 5 में से 5 नंबर लेने, सब ने किसी ने भी एक नंबर नहीं कटवाना, आपने सब ने 5 में से 5 नंबर लेने, ठीक है बच्चों। बहुत आसान है आपके MCQs हैं, लेकिन आप जो है वो कमेंट करें, कमेंट करके हमें बताने हैं कि आपने कितने कितने मार्क्स लें। तो आज आपको मैं चैलेंज दे रहा हूँ, यूँ समझ लें आपने सब ने 5 नंबर लेने, और जो असाइनमेंट दिया वो आपने शेयर करनी है। हाँ जी, तो बच्चे ने कमेंट किया है कि MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट, जी ये बहुत इम्पॉर्टेंट MCQs हैं, ये वही हैं
जो आपको टेस्ट में भी आने हैं, आपको जो भी आपके पेपर होने उसमें भी आने हैं, और जो आपका फाइनल बोर्ड का पेपर होगा उसमें भी आपको MCQs आएंगे। तो MCQs का टाइम ख़त्म होने वाला है, आपने MCQs का रिज़ल्ट हमारे साथ लाजमी शेयर करना है, ठीक है। हाँ जी, और बच्चे ने कमेंट किया जी क्वेश्चन किस तरह का आता है। क्वेश्चन बच्चों इसमें से ना शॉर्ट और MCQs आते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, इसमें से शॉर्ट आते हैं। रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन का पूछा जा सकता है, रोडल विर्चू का शॉर्ट क्वेश्चन आया है, येलो बॉक्स में से बहुत ज़्यादा MCQs जो हैं वो रिपीट होते हैं, और सेल थ्योरी के जो तीनों पॉइंट्स हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। लें जी 5 नंबर आज आए हैं काफ़ी बच्चों के, वेल डन। लेकिन जिन बच्चों के नहीं आए उनको भी सोचने की ज़रूरत है कि आप लोगों के क्यों नहीं आए। आज बहुत सारे बच्चों ने 5 नंबर लिए, वेरी गुड बच्चों, आज आप इसका मतलब आप लोगों ने चैलेंज एक्सेप्ट किया है। जिन बच्चों ने नहीं लिए वो क्या करें, वो अब नेक्स्ट को अच्छी तरह रिव्यू करें ताकि उसके नेक्स्ट टेस्ट में पूरे नंबर आ सके। हाँ जी, एक बच्चे ने कहा जी रिपीट कर दें, जो मैंने असाइनमेंट दी हो मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपने सारे जो सेल्स हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल उनके नाम लिखने और उनके सामने उसका फंक्शन लिखना है, नाम और फंक्शन, नाम और फंक्शन, नाम और फंक्शन, इस तरह से जो है वो आपके एनिमल्स और प्लांट सेल जो है वो एक पेज पे पूरे आ जाएंगे। ये आपके हाथ से एक बार गुजर जाएंगे तो आपको आगे याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है बच्चों। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे वाइंड अप होता है, इंशाल्लाह हमारी मुलाकात हुई कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ। मैंने आती असाइनमेंट का पूछना भी है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।